एक तो सिंगर हूँ मैं, ऊपर से एक्टर बना दिया उन्होंने, तो डबल खुशी है मुझे, मतलब गा भी मैं रहा हूँ और दिख भी मैं रहा हूँ तो बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू इसरार भाई, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ और मेरी एक्टिंग को अंदर से निकाला आपने। सो गाना बहुत प्यारा है माशाल्लाह, और आप लोग बस उम्मीद है कि मीडिया से और हमारे जितने भी ऑडियंस है सबसे ये उम्मीद है कि सब लोग बहुत प्यार देंगे इस गाने को। सर, जैसे कि आपने कहा था कि आपके वो जो दोस्त थे आपको सिंगिंग में आप गाना भूल गए थे, तो किस तरह से उन्होंने आपकी हेल्प की थी शूटिंग के दौरान? एक्चुअली क्या हुआ था कि गाना मुझको ना थोड़ा बहुत बीच बीच में मैं भूल रहा था, तो हमारे भाई जो फैज़ है उन्होंने मेरी हेल्प करी। वो एक पेड़ के पीछे छुप गए थे और मुझे वहाँ से वो बता रहे थे, लिरिक्स बता रहे थे कि सलमान भाई ये लाइन आने वाली है, तो इस चीज़ में मुझे उन्होंने बहुत हेल्प करी थी, क्योंकि मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात को लेकर, और वैसे भी उनसे मेरा बहुत सारा प्यार है। तो भाई ये मेरा अगर मेरी हेल्प कर दे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं जब इसरार भाई के साथ रहता हूँ तो मैं नर्वस नहीं होता, क्योंकि ये मेरे इतने प्यारे भाई है, मुझे इतने प्यार से हैंडल करते हैं ना। मैंने पहले ही बोला था कि मैं इनके साथ में जब काम करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के साथ में काम करता हूँ। बेसिकली हमारा एक परिवार वाला ही रिश्ता है, ये मेरे बड़े भाई है। तो जब हम काम कर रहे थे, शूट कर रहे थे, तो बहुत ही प्यार से बहुत ही आराम से शूट कर रहे थे। मैंने बताया ना कि हम रास्ते में जा रहे हैं तो भुट्टे खा रहे हैं, मन कर रहा चाय पी रहे हैं, मन कर रहा है तो हम लोग मक्के की रोटी खा रहे हैं। तो मतलब अब प्रेशर नहीं होता ना दिमाग में, जब इंसान के प्रेशर होता है दिमाग में तब इंसान जल्दी आराम से करना है। तो शूटिंग लोकेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि आपको कश्मीर से बहुत प्यार है, इट्स अ हेवन आल्सो यू आर टेलिंग दैट, तो कैसा रहा मतलब वहां पे शूट करने का दौरान आपका एक्सपीरियंस आप दोनों जन का? बताओ सर, आप इस पूछिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। कई कई लोकेशन पे हम लोग जाते थे जहाँ पे जानना पहचान, उन्होंने देखा 20-25 लोग आ गए, बेचारे घर से चाय वाय बना के ले आते थे। बट मुझे लगता नहीं कश्मीर में इतनी प्रॉब्लम जितना हम यहाँ पेपरों में या मीडिया में हाइप करते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, और सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग भी जाइए कश्मीर घूम के आइए, अच्छा लगेगा। और मैं तो कह रहा था कि मतलब हमने वैसे ही घूमा कश्मीर, लेकिन अब की बार जहाँ पर हमारा शूट हुआ है वो दूध पथरी जगह थी, और वहाँ पर वो ऐसी जगह थी ना कि हम जब जैसे हम मतलब पहाड़ों में घुसे ना तो बादलों में हम खो गए। तो इतनी प्यारी लोकेशन थी, इतनी प्यारी लोकेशन थी कि मतलब कहीं भी जाओ और शूट हो जाएगा गाने का। तो मतलब बहुत प्यारी जगह माशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप प्लीज़ ज़रूर जाना घूमने के लिए, अगर आपको कश्मीर पसंद है तो। है सर जी, अगली एल्बम जो शूट करेंगे आप क्या वो भी कश्मीर में करेंगे? अगली एल्बम मेरी प्लानिंग है कश्मीर एंड दुबई, दो जगह। अगली बार ऑन लोकेशन लेकर चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे सर, इंशाल्लाह। एक्टिंग और सिंगिंग में क्या टफ आसान क्या लगा एक्टिंग या सिंगिंग? सर देखिए, सिंगिंग तो हमारे खानदान में है, हमारे खून में। मैंने अपने मेरे पापा से सीखा, मेरे दादाजी से सीखा है मैंने, तो मेरे को गाना मुश्किल नहीं लगता क्योंकि वो बचपन से सीख रहे हैं ना। जब एक्टिंग मैंने शुरुआत में जब मेरे को जब लगा ना तो पसीना पसीना हो गया, मैंने यार ये क्या मुसीबत है यार। अब मैं सच बता रहा हूँ, जब सबसे पहले मैंने गाना गाया था तो मुझे ऐसा लग रहा था, जब मुझे लोग देख रहे थे मुझे शर्म आ रही थी। मैंने बोला कि यार ये लोग पता नहीं समझेंगे यार क्या बेवकूफ़ा कर रहा है यार, ये मतलब एक्टिंग कर रहा है, रो रहा है यार, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो मेरे को आगे पता लगा जब मैं धीरे धीरे अपने आप को सुधारता गया, इसरार भाई ने मुझे फिर बताया कि सलमान इसको ऐसे करो, तुम समझो कि तुम्हारे साथ सब कुछ हो ही रहा है, तुम ऐसा फील करो। तो फिर मैं कोशिश करता गया, बाकी तो अभी भी गंदी एक्टिंग ही करता हूँ मैं वैसे तो, खैर, लेकिन बाकी तो खास बात आप लोग को बताऊँ, इस गाने में रोने के शॉट थे, तो मैंने बोला सलमान ग्रीसरीन ले लो, बोला नहीं सर भाई ग्रीसरीन लो, बगैर ग्रीसरीन में रो के दिखाऊंगा। और वो प्रूफ किया उन्होंने यार, मानना पड़ेगा, बगैर ग्रीसरीन के उन्होंने आंसू निकाल दिए सर। नहीं इसरार भाई, मुझे पूरा यकीन था कि इसरार भाई के साथ में जब मैं काम करूँगा तो काम इंशाल्लाह 100% होगा, मुझे पूरा यकीन था, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हम तो सच बताऊँ, हम तो कल के लौंडे हैं, हमें क्या पता, हम तो इंडस्ट्री में 4 साल ही हुए हैं, ये तो पता नहीं कितने सालों से काम कर रहे हैं। तो मुझे पता था कि इनको जितना एक्सपीरियंस है उससे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, मैं गलत करूँगा तो सही यही करेंगे, तो मैं बस करता गया, बाकी बताते गए मैं करता गया। दो लाइन हो जाए सर। अरे अभी सुना तो चलो सुना देता हूँ। मुझे दो लाइन क्या बात है, मैं नहीं करता इनसे। तेरी बेवफाई भूले से ना भुलाई, अब ये जुदाई सही जाए ना। तेरी बेवफाई भूले से ना भुलाई,
अब ये जुदाई सही जाए ना। बहुत बढ़िया लगा, फर्स्ट टाइम सलमान मेरे साथ काम कर रहा है। मैं सोचा क्या नेचर होएगा, कैसे होएगा। लोगों ने बोला क्या वो टेंट्रम दिखाता है, आता है। वो जैसे आया फर्स्ट शॉट मिला, मेरे से गले मिला, बहुत अच्छा नेचर और बहुत प्यारा नेचर, बच्चा है। और इतना अच्छा काम किया, जैसे शॉट बताया वैसे एक्शन। आंसू गिराना है तो आंसू डाल दो मेरे आँख में, डाल दिया तो पूरा आंसू एकदम बता जल रहा है, मतलब कोई बात नहीं। फिर आस्ते 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 मिक्स हुए तो कंटिन्यू हमने चार गाने किए। चार गाने में इतना कोऑपरेट किया, जहाँ जाए साथ साथ में चले, ऐसा नहीं कि एक जगह बैठा है। एक हैप्पीनेस, मतलब एक फैमिली जैसा हो गया था। वो बहुत प्यारा लड़का है, बहुत अच्छा काम किया और मुझे मज़ा आया, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी नए नए आर्टिस्ट आते हैं और नए आर्टिस्ट के साथ हम लोग काम करते एक खुशी मिलती, कुछ नया हमको सीखने मिलता है। 45 ईयर्स से ये लाइन में करते करते नए नए बच्चे, अभी और बच्चे आए, 3-4 बच्चे हो रहा है। मुदस्सर आया, अरबाज पटेल आए, समीर आए, तो काफ़ी अच्छे टिकटॉक के आर्टिस्ट भी थे। काफ़ी हमने गाने किए, बहुत अच्छे, मतलब सारे बच्चे अच्छे थे। आजकल दौर ही बेवफाई का यूट्यूब में चैनल में जितने भी देखिए एल्बम जो है बेवफाई के ज़्यादा चलते, तो ये सोच के ही हमने बेवफाई का लिखा है। और लाइन अच्छी लगी तो फिर लिखते चले गए, उस पर अच्छा लगा। आपने कभी अताउल्लाह खान का गाना सुना? जी जी सुना तो है। नहीं नहीं अताउल्लाह से। स्टार्टिंग की दो लाइन गा के दिखाई। नहीं गा के दो। हाँ हाँ मैम आपने लिखा है तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कैसे आया कि ये गाना लिखना है, और बोल कैसे आपने उसको फाइनलाइज किया कि ये लिखना है आपको, कैसे ये सब चीजें माइंड में? एक्चुअली हमने पहले भी लिखे हैं गाने, और ये मेरा मतलब पहला नहीं है, अदनान सामी के साथ भी हम कर चुके हैं, लेकिन अपने होम प्रोडक्शन में ही काम किया है हमने। और बस सोच में क्या है, सोच में तो सारे सब्जेक्ट होते हैं, आप रोमांटिक बोलिएगा तो रोमांटिक लिखेंगे, जो बोलिएगा, बस वर्ड हमें थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा हटकर लगा, इसलिए हमने वफा करो न करो तुम वफा की बात करो, हमारा जख्म ना देखो दवा की बात करो। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि इतना ब्यूटीफुली पोस्टर डिज़ाइन किया था, बहुत मेहनत करके हमने डिज़ाइन किया था। तो आज पोस्टर लॉन्च में सलमान आए हैं एंड अब इसको डिजिटली हम डालेंगे आज, सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और डिप्स मेलोडीज़ पे ये गाना आने वाला है, सो या फिंगर्स क्रॉस, इंशाल्लाह फॉर द बेस्ट। ओके सर, और आपने सलमान सर के गाने में भी बहुत हेल्प की है, एच आर ट्री पे, एच आर के, कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाँ तो मैम मतलब प्रोड्यूसर के साथ हम क्या स्पॉट बॉय भी हैं, क्रिएटिव भी हैं, सब कुछ करते हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। सो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। सलमान भाई बहुत डाउन टू अर्थ हैं एंड पूरे शूट में इट वाज नॉट जस्ट सलमान, गर्ग पाजी, हम लोग साथ में घूमते थे, फिरते थे, काम करते थे, मस्ती मजाक करते थे। सो बहुत ही मतलब बोलते ना वन ऑफ द गुड मोमेंट्स इन कोलैबोरेशन बारे तो अनु जो अभी लॉन्च करेंगे तो लॉन्चिंग से ही तुम्हें पता लगेगा रिजल्ट की है सोंग का। तो सैकेंड गल जो सोंग है ये सानू 10 दिन उत्थे शूट करन ते लगे सीगे, ठीक है। शूट करन टाइम सानू बड़ा एंजॉय असी किता, ते सारी टीम साड़ी बड़ी कोऑपरेटिव रही, साड़ी टीम ने साड़े नाल बड़ा कोऑपरेट किता। ते असी कई बार तो मॉर्निंग टाइम 4:30-3 भी असी निकल जांदे सीगे शूट लई, ते बट सानू बहुत एंजॉय, बहुत मतलब मस्ती असी बहुत कीती शूट टाइम। मतलब सानू यही नहीं सीगा भी असी मतलब कितने बाहर आके असी शूट करन आए हुए हैं, तो सानू बहुत टेंशन है, कोई बर्डिंग है, इदां कुछ नहीं सीगा।